हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दिखाऊंगा कैसे डेटाबेस से डेटा डिलीट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कैसे डेटाबेस से डेटा अपडेट करते हैं, तो इसके लिए चलिए एडिटर में और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट पीएचपी में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने अपडेट के लिए एक बटन लिया था, इसी तरह मैंने डिलीट के लिए और एक रो लूँगा और यहाँ पे मैं डिलीट बटन लगा दूँगा। इसके लिए टीडी ओपन करता हूँ और टीडी क्लोज, और इसके बाद बटन ओपन करता हूँ और बटन क्लोज, और यहाँ पे एंकर टैग लगा दूँगा और यहाँ पे डिलीट रख के सेव करके ब्राउज़र में जाइए और यहाँ पर लोकल होस्ट फोल्डर और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट पी एच पी एंड करके एंटर कर दूंगा। देखिए, डिलीट के जाएगा मैं डिलीट डिलीट आ गया और यहाँ पे देखिए डिलीट आ गया है बटन। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी यूज़र डिलीट बटन पे आए और डिलीट को क्लिक करे और रो डिलीट हो जाए। इसके लिए आप डिलीट डॉट पी एच पी करके एक फाइल पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे नया एक पेज डिलीट डॉट पी एच पी, और यहाँ पे मैं डिलीट के लिए क्वेरी लिख दूँगा। सबसे पहले यहाँ पे पी एच पी टैग ओपन करता हूँ और पी एच पी टैग क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस से कनेक्शन वेरिएबल की इंक्लूड करना होगा। इसके लिए इंक्लूड और फाइल नेम कनेक्शन डॉट पी एच पी, और सेमीकोलन। डिलीट क्वेरी करने के लिए आपको एक आईडी चाहिए डेटाबेस से, तो जिस तरह मैं अपडेट के लिए जिस तरह हम आईडी को सेंड करा था अपडेट डॉट पी एच पी में, इसी तरह डिलीट कर लिए आईडी डिलीट डॉट पी एच पी के मैं आईडी सेंड करता हूँ। इसके लिए डिलीट डॉट पी एच पी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल आईडी इक्वल्स टू पी एच पी टैग ओपन करता हूँ और पी एच पी टैग क्लोज, यहाँ पे इको इको रिजल्ट और कॉलम नेम, यहाँ पे सेमी कॉलन। सेव करिए इस फाइल को और ब्राउजर में जाइए रिफ्रेश। मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे पर कर्सर ले जाऊंगा। देखिए, आईडी यहाँ पे शो कर रहा है 1 और 2। इसके बाद डिलीट के लिए डिलीट की क्वेरी लिखना होगा। इसके लिए एडिटर में जाइए और डिलीट डॉट पी एच पी में आइए। सबसे पहले यहाँ पे जो आईडी आ रहा है इसको एक वेरिएबल में सेव कर दीजिए। आई डी इक्वल्स टू डॉलर गेट डिलीट की क्वेरी लिखना होगा। इसके लिए डॉलर एसक्यूएल डबल ब्रैकेट कोट्स के अंदर डिलीट फॉर्म टेबल का नेम क्रॉट और हायर हायर आईडी आईडी इक्वल्स टू डॉलर ऑफ आईडी, और इसको क्वेरी को रन करता है। इसके लिए MySQL आई क्वेरी MySQL आई
क्वेरी, और यहाँ पे कनेक्शन वेरिएबल और एसक्यूएल वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कनेक्शन वेरिएबल देना होगा इसके लिए डेटा और एसक्यूएल वेरिएबल। और यहाँ पे सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाइए, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा और डिलीट, और यहाँ पे बैक बैक करके रिफ्रेश कर दूंगा। देखिए डिलीट हो गया। मैंने और एक दो डिलीट करना चाहती हूँ, इसके लिए दो तीन वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। इसके लिए आपको इंसर्ट डॉट पीएचपी में जाना होगा, इंसर्ट डॉट पीएचपी। इंसर्ट डॉट पीएचपी में जाना होगा, यहाँ के नेम दे दूंगा सौमित्र, और रोल कोई भी लिख दीजिए 23 इंसर्ट, और संजय, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दूँ, कोई भी रोल नंबर 2, और एक सुमन, और कोई भी एक रोल नंबर दे दूंगा इंसर्ट। और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट पी एच पी में आइए और यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए मैंने जो भी वैल्यू इंसर्ट करा था वो आ गया। यहाँ पे कोई भी एक रो को मैं डिलीट करके देखना चाहती हूँ डिलीट होगा कि नहीं। इसके लिए यहाँ पे मैं सुमन को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ और डिलीट डॉट पी एच पी में पेज में आ गया। यहाँ फिर बैक करके यहाँ फिर रिफ्रेश करिए, देखिए सुमन डिलीट हो गया। आप चाहते हैं जो डिलीट पेज में आ गया और यहाँ पे मैन्युअली बैक प्रेस करके आप आते हैं, इसको आप रिडायरेक्ट करने के लिए आपको इसके लिए डिलीट डॉट पी एच पी में आते हैं और यहाँ पे एक हेडर, एक फंक्शन लिखना होगा हेडर, HED हेडर, और यहाँ पे सिंगल कट के अंदर लोकेशन, लोकेशन आप और कोलन, यहाँ पे जो भी पेज में जाना चाहते हैं उस पेज का नाम, डिस्प्ले डॉट पीएचपी, और इंटर करके सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश सेव कर देता हूँ। ब्राउजर में जाइए और यहाँ इसको रिफ्रेश करिए। मैं संजय को डिलीट करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं जब डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो वो रिडायरेक्ट होके डिस्प्ले डॉट पीएचपी में ही आ गया डिलीट होके। देखिए कैसा होगा कि डिलीट होके डिस्प्ले डॉट पीएचपी में आ गया।